हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का विशेष महत्व होता है। पूजा में रोली, अक्षत, फल, फूल, नारियल का खासकर इस्तेमाल किया जाता है। इन सामग्री के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के दौरान धूप बत्ती और दिया जलाया जाता है। अब ऐसे में पूजा के बाद बची राख और जली हुई बाती का क्या करना चाहिए? कुछ लोग पूजा हो जाने के बाद इस राख को फेंक देते हैं तो कोई इधर उधर रख देता है, लेकिन ऐसा करना अशुभ होता है। आप इस राख और बाती दोनों को एक कपड़े में रख दें और एक हफ्ते बाद इसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रह दोष से छुटकारा मिल जाता है। या फिर जब भी आप पूजा करते हैं उसके बाद धूप बत्ती की राख और दीपक की जली बाती को पेड़ के नीचे छिपा कर रख दें। इससे कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और सुफलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूजा के बाद जली हुई दीपक की बाती को और धूप बत्ती की राख को एकत्रित करें और जमीन के नीचे दबा दें। साथ ही शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इससे आपको कभी धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर की पूजा में भोग के साथ ही जल का अपना महत्व है। हमारे घरों में भी पूजा घर में जल का लोटा जरूर रखा जाता है। वहीं बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पूजा घर में जल का लोटा रखा है या नहीं। दरअसल इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। किसी भी मांगलिक कार्य में जल को रखना पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में जल को अमृत समान माना गया है। यह धन वैभव का भी प्रतीक है। तभी पूजा की दूसरी सामग्री के साथ ही जल का लोटा भी स्थापित किया जाता है। भगवान को भोग के साथ ही जल समर्पित करना भी जरूरी होता है, तभी भोग को पूर्ण माना जाता है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि जल का लोटा रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर जल को तांबे के लोटे में भरकर रखा गया हो तो ये और भी शुभ होता है। इसे मनोकामना पूर्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। पूजा की जगह पर तांबे के लोटे में रखा हुआ जल घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिविटी का संचार करता है। घर में तरक्की के लिए भी जल को मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही जल को शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि आसपास फैली अशुद्धियों को भी दूर करता है। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में ही रखा जाना चाहिए। जल को वरुण देव के रूप में पूजा जाता है। पूजा में वरुण देव की स्थापना करने के लिए जल के कलश को स्थापित किया जाता है। यज्ञ आदि में जल के कलश की स्थापना का खास महत्व होता है, इसलिए जल में तुलसी या आम के पत्ते डालकर रखा जाता है। ऐसा करने से जल पवित्र हो जाता है। पूजा के लिए रखे गए जल में तुलसी दल डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से जल ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जल के लोटे में पवित्र नदियों का जल भी मिलाया जा सकता है। इससे घर में छिड़कने से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। अब ऐसे में सवाल है कि पूजा घर में रखे जल का अगले दिन क्या करना चाहिए? कुछ लोग पात्र को धोने के साथ साथ जल को नाली में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल को अगले दिन पौधे में डाल देना चाहिए, लेकिन जल डालने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी और शमी के पौधे में ना डालें। इससे आपको अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में मुश्किलें भी बढ़ सकती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अगला सवाल है कि पूजा में चढ़ाए गए फूलों का क्या करना चाहिए? हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान के चरणों में फूल अर्पित करने से व्यक्ति के पुण्य में वृद्धि होती है। इससे सभी पापों का नाश होता है और उसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र, अगस्त्य के फूल और तुलसी कभी भी बासी नहीं होते हैं। अगर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो इस समय फूलों को भगवान के मस्तक पर सजाएं, लेकिन पूजा के समय फूलों को भगवान के चरणों में रखने का विधान है। अगर आप भगवान को फूलों से बनी माला चढ़ाते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फूल या फल भगवान पर उलटकर यानी दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवजी पर बेलपत्र उलटकर चढ़ाया जा सकता है। भगवान को फूल चढ़ाने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी मान्यता की वजह से सभी लोग अपने घर के मंदिर में ये पुण्य कर्म जरूर करते हैं। कुछ समय पश्चात फूल मुरझा जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मुरझाए हुए फूल नदी या तालाब में प्रवाहित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नदी तालाब में खराब फूल डालने से पानी गंदा होता है।
भगवान को चढ़ाए हुए हार फूल जब मुरझा जाएं तो उन्हें मंदिर से हटाकर अपने माथे से लगाएं और फिर घर के आंगन में किसी पौधे में या फिर किसी मंदिर के पेड़ पौधों की जड़ों में डाल देना चाहिए। फूल और हार ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहाँ इनका अपमान न हो और किसी के पैर इन पर नहीं लगते हो। पेड़ पौधों में मुरझाए हुए फूल डालने से ये खाद का काम करते हैं। इनकी वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। भगवान को अर्पित की गई सभी वस्तुएं पवित्र होती है और किसी भी प्रकार इनका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना पूजा पाठ से शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखें, भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भी अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। इन्हें अन्य भक्तों में बांट देना चाहिए। अगर प्रसाद बच जाता है तो खराब होने से पहले किसी गाय या कुत्ते को खिला देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।